अरे बोलना ही इसे बोला बोल दिया लगा खत्म हो गई वो खत्म मला सांगा किती वाजता जी घटना आहे, कुठल्या कंपनीला आग लागली आणि कधीपासून तुमचं आग विझवणं सुरू आहे, किती बंब लागले? 1:30 पे पहले मेन स्टेशन में कॉल आया हमारे को, और जब कॉल आया तो वहाँ से 2 फायर टेंडर निकले। जब यहाँ जब मेजर फायर देखा उन्होंने तो तुरंत मुझे को इन्फॉर्मेशन किया, मैं भी तुरंत निकला और बलगा रोड सब स्टेशन, बडनेरा सब स्टेशन, सबके गाड़ियाँ यहाँ मैंने बुला लिया। फिर भी मैंने देखा कि बाजू में ऑक्सीजन प्लांट है, रिस्क एकदम रिस्क उठाने को पड़ता नहीं, कभी बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आग वहाँ उधर बढ़ रही थी, इसलिए मैंने RD साहब से कांटेक्ट करके कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और अपने जो प्लेस की गाड़ियाँ हैं, अचतपुर, चांदूर बाज़ार, चांदूर रेलवे, अंजनगाँव, दरियापुर, ये गाड़ियों से अपन ने उधर से मदद मांगे, क्योंकि आग इतनी डेंजर रूप धारण कर चुकी थी कि इसको अपने पास में जो यंत्र थी अपन उसको अटैक करके रोक रहे थे, लेकिन सुबह तक के कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसलिए सतर्क रह के मैंने ये स्टेप उठाया और बाहर की गाड़ियाँ अपने मदद के लिए। अभी तक कितने बम लग चुके हैं और कितने बम लगेंगे, अंदाज क्या है आपका? हाँ, अभी तक कम से कम 50 बम लग चुके हैं टोटल, जिसमें अपन ने केमिकल के लिए जो फोम का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका भी अपन ने कम से कम 40 कैन किया है, 25-25 लीटर की कैन रहती है, 40 कैन का यूज़ किया है लिक्विड फायर होने की वजह से, और उसको अपन ने जल्दी कंट्रोल किया। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है और क्या यहाँ पे क्या बनता है? हाँ, ये कैसा है कि जो अपने खेती में जो खेत में जो अपना खाद तैयार होता है वहाँ उसका केमिकल तैयार होता है और यहाँ स्टोरेज भी होता है तैयार होने के बाद में।